Hey guys, welcome back to my channel, that's Call a Girl, and I am Akanksha. So guys, in today's video I am going to give you some tips or hack to keep your feet beautiful. So generally guys, हम क्या करते हैं, अपने feet को, अपने पैरों को almost ignore कर देते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि काश हमारे पैर ऐसे होते वैसे होते तो ये footwear हम पे अच्छा लगता और ये सब. तो guys, इस video में मैं आपको कुछ almost 6 tips दूंगी जो बहुत ही simple और practical होंगी, जिससे आप अपने पैर और हाथों को बहुत खूबसूरत रख सकते हैं. तो अगर आपको जानना है वो टिप्स क्या है तो मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहिए. सो रूल नंबर 1, जब भी आप घर से निकले, दिन में, शाम में, दोपहर में, जैसे आप अपने फेस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हैं, हमेशा धूप से बचाने के लिए, यूवी रेस से बचाने के लिए, लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं, अपने पैरों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते. पैरों के लिए सिर्फ वो क्या करते हैं कि अगर बहुत तेज धूप है तो जूते पहन ले, लेकिन गर्मियों में क्या होता है कि जूते पहनना भी एक ऑप्शन नहीं रहता क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी लगती है. तो उसके लिए गाइस, आप जब भी घर से बाहर निकले, टिप नंबर 1 है. सो गाइस, आप अजाफरान की SPF 30 सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं या फिर आप एरोमा मैजिक की SPF 30 सेम SPF यूज कर सकते हैं. तो गाइज, मैंने ये दोनों यूज की हैं, दोनों के दोनों प्रोडक्ट ही हाईली बेनिफिशियल हुए हैं. आपके पैरों के साथ क्या होता है कि जो भी आपके फुटवेयर का डिजाइन होता है वो एज इट इज आपके पैर पे छप जाता है. तो अगर गाइज आप ये टिप मेरी टिप ये यूज करेंगे, आप अपने घर से निकलने से पहले आप अपने पैरों के लिए भी सनस्क्रीन यूज करेंगे तो ऐसा नहीं होगा. सो गाइज, नाउ टिप नंबर 2. तो जो सेकेंड टिप है वो ये है कि जब भी आप रात में सोने से पहले, बेड टाइम से पहले, आप अपने पैरों को अच्छे से धो लें. जरूरी नहीं है कि आप उसे साबुन से धोएं, लेकिन आप उन्हें धो जरूर लें. आपको धोने के बाद क्या करना है, अच्छी सी एक मॉइस्चराइजर क्रीम यूज करनी है उन्हें मॉइस्चराइज करने के. तो गाइज, मैं ये आरण्या की सॉफ्ट हील मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज करती हूँ अपने पैरों के लिए. सो गाइज, इस क्रीम की जो कंसिस्टेंसी है, क्रीमी कंसिस्टेंसी है, व्हाइट कलर की क्रीम की फॉर्म में ये आता है. थोड़ी सी क्वांटिटी काफी हो जाएगी आपको. थोड़ी सी क्वांटिटी अपने हाथ पे लेके उसे अपने पैर पे अच्छे से रब करना है. और गाइज, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आपके पैर की स्किन होती है वो आपके अदर बॉडी पार्ट की स्किन से थोड़ी डिफरेंट होती है. तो इसीलिए अगर आप देख रहे हैं कि आपकी एड़ियां फटी हुई हैं और आप रेगुलर उसमें मॉइस्चराइजर, लोशन या फिर अपना बॉडी बटर लगा रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, तो इसीलिए गाइज, अगर आपको वाकई में सर्दियों अपने पैरों को सॉफ्ट और खूबसूरत बना के रखना है तो आपको इसके लिए पर्टिकुलर एक मॉइस्चराइजर लोशन लेना होगा. और उसके लिए आरण्या की जो सॉफ्ट हील क्रीम है वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. और गाइस, ये 25 ग्राम जो प्रोडक्ट है वो 65 रुपीस का आता है, जो कि डेली यूज करने पे 1 से 1.5 महीना चलता है. सो नाउ टिप नंबर 3. टिप नंबर 3 ये है कि आप ऐसा जरूरी नहीं कि अगर आप ये दोनों रूल्स फॉलो करें, अगर आप डेली सनस्क्रीन लगा के बाहर जाएं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एकदम टैनिंग नहीं हो आपके पैरों पे. हो सकता है थोड़ी बहुत टैनिंग हो, क्योंकि इतना करने के बावजूद भी हल्की सी टैनिंग मेरे पैर में भी आ गई थी बीच में, अभी नहीं है, कुछ दिन पहले. तो उसके लिए आप क्या करें, D10 पैक भी यूज करें अपने पैरों के लिए. तो गाइज, मैं लोटस का ये सेफ सन D10 पैक यूज करती हूँ अपने पैरों के लिए. सिर्फ 2 बार ही यूज करना पड़ा, क्योंकि अगर आप ये दोनों टिप यूज करेंगे, अगर आप ये दोनों टिप अगर अपने पैरों के लिए यूज करेंगे तो आपको D10 की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो लेकिन अगर उसके बाद भी अगर ऐसा हो जाता है, आप बहुत देर तक धूप में बाहर रह जाते हो, तो हो सकता है कि थोड़ा सा टैनिंग आ जाए आपके पैर पे, तो आप ये लोटस का D10 पैक यूज कर सकते हैं. अगर हल्की सी टैनिंग है तो सिर्फ 1 बार में ही निकाल देगा, अगर थोड़ी ज्यादा टैनिंग है तो 2 से 3 बार आप इसे यूज कर सकते हैं. और ये बहुत अच्छा है. इट रिटेल्स फॉर 325 रुपीज एंड फॉर 100 ग्राम्स ऑफ द प्रोडक्ट. तो ये है टिप नंबर 3. टिप नंबर 4 है, जैसे आप फेस को अपने कभी कभी स्क्रब करते हैं, कभी कभी नहीं, मुझे लगता है वीक में 2 से 3 बार लोग, कुछ लोग स्क्रब करते हैं, ऐसे ही आपको अपने पैरों पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है. तो गाइस, आप चाहे तो अपने पैरों को वीक में 1 बार या इवन 15 डेज में
एक बार आप इन्हें स्क्रब जरूर कर ले, जब भी आप फ्री हो संडे को या कभी भी, कोई भी बॉडी स्क्रब लेके अपने पैरों को स्क्रब अच्छे से कर ले, उससे वो काफी हेल्दी बने रहेंगे, स्किन काफी हेल्दी ग्लोइंग बनी रहेगी। और गाइज मैं जनरली जो मेरा अरोमा मैजिक का स्क्रब है जिसका मैंने रिव्यू किया था, जो मेरे फेस को ज्यादा सूट नहीं किया वो मैं स्क्रब यूज करती हूँ, और मैं सिर्फ और सिर्फ महीने में एक बार स्क्रब करती हूँ, सिर्फ एक बार स्क्रब करती हूँ, और कभी कभी तो एक बार भी नहीं। सो गाइज जो नेक्स्ट टिप है वो है पैरों को सर्दियों में, पैरों को रात में धोने के लिए। सो लाइक गाइज क्या होता है कि सर्दियों में आपको बिल्कुल मन नहीं होता, आप रात में ठंड में उठ के ठंडे पानी से आप पैरों को धोएं या फिर गीजर ऑन करें सिर्फ पैर धोने के लिए। तो गाइज उसका सबसे आसान तरीका है, थोड़ा सा आपको वियर्ड लगेगा बट फिर भी मैं बता रही हूँ जो कि मैं यूज करती हूँ। तो आपके पास टोनर होता है, जैसे मेरे पास 2 से 3 टोनर हैं, जिसमें से सिर्फ मैं हिमालय का टोनर अपने फेस पे यूज करती हूँ और कोई टोनर मेरे फेस को ज्यादा सूट नहीं किया। तो गाइज ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा टोनर है जो आपके फेस को सूट नहीं किया, उस टोनर की हेल्प से आप रात में कॉटन पैड पे थोड़ा सा टोनर डाल के जैसे आप अपने फेस को साफ करते हैं, ऐसे ही आप अपने पैरों को भी साफ कर सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। सो गाइज जो नेक्स्ट टिप है वो बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल टिप है, और ये टिप रिलेटेड है आपकी बाथिंग हैबिट से। सो गाइज आई सजेस्ट कि आप नहाने के टाइम पे साबुन की जगह लूफा यूज करें, आप लूफा से नहाएं करें। इससे क्या होता है, आप जो लोग साबुन यूज करते हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि उनकी एल्बो खुरदरी हो जाती है, फिर पैर के आसपास स्मेल जमा हो जाता है जिसे उन्हें अलग से साफ करना पड़ता है किसी दिन बैठ के। तो गाइज अगर आप लूफा यूज करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। गाइज जो लास्ट टेक्निक है अपने पैरों को सुंदर बनाए रखने के लिए वो तो आप सब जानते ही हैं, पेडिक्योर। तो आप चाहें तो महीने में एक बार या फिर 2 महीने में एक बार, अगर आप ये सारी टिप यूज करते हैं तो महीने या 2 महीने में, इवन 3 महीने में अगर एक बार भी आप पेडिक्योर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे तो आपको पेडिक्योर करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे पैर देख ही सकते हैं। तो मैंने जो लास्ट पेडिक्योर किया था वो तब किया था जब मैंने वादी हर्बल की वीडियो बनाई थी, तो आप वो देख ही सकते हैं। मुझे लगता है शायद कुछ 3 या तो 4 मंथ हो गए हैं मुझे पेडिक्योर किए हुए। तो सिर्फ और सिर्फ ये 3 से 4 टिप्स यूज करती हूँ मैं डेली। आपको सुबह सुबह सनस्क्रीन लगानी है, रात में सॉफ्ट हील कोई भी क्रीम लगानी है। और गाइज मैं गारंटी के साथ ये बोल सकती हूँ कि अगर आप ये सिंपल कुछ टेक्निक्स अगर आप डेली अपने रूटीन में शामिल कर लेंगे तो आपके पैर हमेशा खूबसूरत बने रहेंगे। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके पैरों के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, और अगर ऐसा हो तो आप ये वीडियो को अपने सब फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और प्लस मुझे जरूर बताएं कि आपको कौन सी टेक्निक सबसे ज्यादा अच्छी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके गाइज सी यू, बाय बाय।